जिसने भी ये भेजा है ये तुम क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे बन गया ये। केसरिया बालम पधारो पधारो मारे देश रे। नमस्ते, बेसन का कुछ भी बनाए या दही का कुछ बना रहे हैं उसमें अजवाइन और हींग एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। यही तो है इंडिया की खासियत, मतलब हम ये औषधि भी डालते हैं। अगर कुछ हाजमे की प्रॉब्लम है आपको बेसन से, तो आप अजवाइन और हींग से उसको ठीक करते हैं सब्जियों में डालकर। नेक्स्ट स्टेप ये गया,
बचा रह जाता है। तो हिसाब से, और ये भी ध्यान रहे कि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये और ज्यादा ठीक हो जाएगा।
ये हमारा गट्टा जो है वो बॉईल होके रेडी है। हम इसको ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, हल्का सा बॉईल करेंगे क्योंकि हम अब इसको फ्राई भी करेंगे। तो हल्का हल्का ये फटने लगा है, तो ज्यादा फटना नहीं चाहिए। नाउ गैस बंद और अब हम इसको कट करेंगे। वाव, बहुत ही अच्छा पक चुका है। तो हमने काटा है बिल्कुल ही मीडियम पीसेस में, ज्यादा पतले काटेंगे तो ये ग्रेवी में गल सकता है। तो आवर गट्टा इज रेडी टू फ्राई। तो ये हमारा गट्टे रेडी और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। हमने डाला है सरसों का तेल, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, इतना हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। तो ये गट्टे हम निकाल कर रख रहे हैं यहाँ। पिघला भी नहीं है, इट्स जैसे का तैसा ही है। और साथ में वेजिटेबल बना है, इसको बोलते हैं चठैल। हमारे यहाँ भात केरला बोलते हैं, आसाम में भी और बिहार में भी, लेकिन चठैल ही बोलते हैं। तो ये मैं पटना से सब्जी लेकर आई हूँ, ये थोड़ा सा चखूंगी, राइस बाद में खाते हैं। आइए, भूख लगी है। श्री गणेशाय नमः। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। मैं एक मिनट पहले गट्टा देखूं, हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, मतलब हार्ड ना सॉफ्ट है, ठीक है। बड़ी क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे बन गया ये, इतना बढ़िया। बहुत ओवर एक्टिंग थी ना, मुझे विश्वास था कि टेस्टी बनेगा। वाओ, इट इज अमेजिंग। ये भी खा लेती हूँ क्योंकि रिएक्शन देने वाला और कोई नहीं है, विकास बाद में देगा, विकास का भी रिएक्शन देखूंगी मैं। एनीवे, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं मैं क्या ही बनाने वाली हूँ। आप सब राजस्थानी फ्रेंड्स, सॉरी
मेरे दोस्त जितने भी मारवाड़ी हैं उनको स्पेशली, शुरू में खंबागणी बोलना भूल गई थी, तो खंबागणी। और हाँ हाँ, जाकर वापस जरूर आइएगा। अब पता नहीं मैं कौन से प्रांत या कौन से देश का डिश बनाऊं। तरासिया लव्या ग्रेवी लव्या। विकास जी आ रहे हैं हमारे रिएक्शन देने के लिए, खा के दिखाओ जल्दी। बस अभी खाएंगे उसके बाद बताते हैं। वैसे भी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बना भी अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन यही खा के दिखाओ जल्दी, मुझे अभी रिएक्शन देखना है। एक बाइट खा जल्दी जल्दी। मेरी सबसे ज्यादा अपनी सब्जी ली गई है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है। वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। ऐसे हम लोग को यकीन ही नहीं था कि ये इतना अच्छा हो जाएगा। तुमको यकीन नहीं था? तुमको यकीन मुझ पर नहीं था क्या? इतना अच्छा बन जाएगा, इतना स्वाद आ रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, कैसे बन कर रखी अभी सबका। वाह वाह वाह। तो विकास ये लो खाना खाने के बाद, ये दुबई का किटकैट है पिस्ता वाला। इतना अच्छा बोलने के लिए तुमको ये दिया जा रहा है कैमरे के सामने, रिश्वत। ऐसे ही तारीफ करते रहो करो। ओके, जब खाओ तड़ा।